नमस्कार, दर्शन देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। आज झारखंड बीजेपी कार्यालय में बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सुप्रीम कोर्ट को ऐतिहासिक फैसले के लिए धन्यवाद देते नजर आए। इस ऐतिहासिक फैसले में ये था कि 7 जजों की बेंच गठित हुई थी, जिसमें 2012 में जो राज्यसभा चुनाव थे उसमें खरीद फरोख्त का मामला सीता सोरेन पे उठा था और सीता सोरेन के घर से पैसे मिले थे। तो बाबूलाल मरांडी ने सीधे तौर पे जेएमएम परिवार को पैसों के लेन देन के लिए बताया कि वो केवल पैसों के लिए काम करते हैं और पैसों के लिए ही वो झारखंड में राज करना चाहते हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी, आइए सुनते हैं। सारे लोग वहाँ चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, सब तो इन्हीं के नाम से प्रॉपर्टी, यही तो मनी लॉन्ड्रिंग है, बेनामी संपत्ति को अर्जित करना। तो ये परिवार पूरी तरह से, और आपने देखा होगा कि जब उनके ऊपर केस भी चल रहा है लोकायुक्त में, लोकपाल में, उसके बाद वो हाईकोर्ट चले गए थे, दिल्ली हाईकोर्ट, वहां भी उन्होंने क्या पिले लिया, ये मामला बहुत पुराना है, इसलिए वो कोई बनता नहीं। भाई अजीब वो गरीब स्थिति है, कोई व्यक्ति कभी भी चोरी करे या अपराध करे और जब पकड़े जाए तो उसी समय उसको सजा मिलती है, और उस समय केस मुकदमा होता है, फिर चलता है कोर्ट में केस और फिर सजा होती है अगर साबित हो जाए। लेकिन ये लोग विचित्र विचित्र तर्क ये लोग प्रस्तुत करते हैं, गड़बड़ भी करते हैं, लूटते भी हैं, और उस समय नहीं पकड़ा लूट का माल को वापस भी करते हैं, तो कहते हैं कि हमने वापस कर दिया। पिछले दिन आप सबके संज्ञान में है, जब मुख्यमंत्री रहते उन्होंने खदान को आवंटित किया था अपने नाम से, और जब हल्ला हुआ तो कहा कि हमने वापस कर दिया। ये 8.5 एकड़ जमीन का भी मामला वही है, जब बेनामी प्रॉपर्टी उन्होंने पूरी तरह से जब बाउंड्री वॉल किया, और जब मामला हुआ ईडी जब वहां तक पहुंचे, तब ने देखा होगा कि रातों रात मैंने क्या कहते हैं इतनी स्पीडली मैंने मूल रैयतों को वापस कर देना, ये बता देना कि भाई ये मेरा तो है ही नहीं। यानी पूरी तरह से ये परिवार आज की तारीख में एक्सपोज हो चुका है, शिवू सोरेन परिवार, हेमंत सोरेन परिवार, यानी किस प्रकार से ये लोग मतलब एमएलए एमपी बन करके पैसा ये लोग कमाते हैं या लूटते हैं, ये और कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता है। नहीं आश्चर्य अभी इस प्रकार से पैसे बटोरने और फिर बचने के लिए लोग तरह तरह की तरकीब निकालते हैं, तरह तरह के लोग रास्ता निकालते हैं कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे लूटा जाए, कैसे धन एकत्रित किया जाए, और जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं कि साजिश के तहत हमें फंसाया जा रहा है। तो आप सब ये समझ सकते हो कि भाई आप तो सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का निर्णय, कोई कहीं और दूसरा, और वो भी एक दो जज का नहीं, हमने कहा कि संविधान पीठ के का निर्णय, तो मैं कहूंगा कि आप पूरी तरह से परिवार बेनकाब हो चुका है, इसका धंधा ही है पैसा वसूलना। अरे ये लोग बेसिकली पॉलिटिक्स ही इसीलिए करते हैं, पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे वसूला जाए, कैसे इकट्ठा किया जाए, एकमात्र इन लोगों की धंधा है वो पैसा कमाना, पैसा एकत्रित करना, पैसा इनकी जनता की भला करना नहीं, यानी राजनीति इन लोगों के लिए सेवा नहीं बल्कि स्वार्थ पूर्ति का इन परिवारों के लिए साधन मात्र है। और इसलिए एमएलए एमपी बन करके कोई भी अवसर ये लोग नहीं छोड़ता है, इस अवसर पर ये लोग पैसा नहीं कमाता,
पहले भी आप सब लोगों ने देखा कि राज्यसभा का चुनाव होता था तो कैसे ये लोग पैसे पर लोग बिक जाते थे। तो आज मुझे इसलिए लगा कि क्योंकि झारखंड से मामला जुड़ा हुआ है और वो भी शिव सोरेन परिवार से जुड़ा हुआ है और उस राज्यसभा के चुनाव में यानी जो इतना इलेक्शन कमीशन सतर्क हुए और कार्रवाई हुई उससे भी हम जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि आप सब लोगों के समझ में शेयर करूं ताकि आप। तो अभी आपने देखा क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे बाबूलाल मरांडी, वो सीधी तौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के सदस्यों पे निशाना साधते आ रहे थे और कह रहे थे कि ये परिवार केवल पैसों की लूट खसोट में शामिल रहता है और ये जब फंस जाते हैं तो ये कहते हैं अपने बचाव में कि ये हमें साजिशन फंसाया जा रहा है। तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा केवल अपने परिवार का विकास कर रही है, वो झारखंड का विकास नहीं कर सकती है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।